बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से चैप्टर हैं आपके यहाँ, चाहे आपके यहाँ लीनियर इक्वेशन हो, चाहे आपके यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे आपके पास सरफेस एरिया वॉल्यूम हो, चाहे आपके पास जो है स्टेटिस्टिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो 9th में भी थे, और इन सब क्वेश्चंस में एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ 9th के बेस पे दे दे, तो इसलिए बेसिक आपको जरूर आना चाहिए। बेसिक का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेटिस्टिक्स में जो आपने मीन पढ़ा था, तो मीन का फॉर्मूला क्या था? वहां आपने, अगर याद हो, आपने पढ़ा था मीन, मीन, मीडियन, मोड, याद है कुछ? यस सर, मीडियन मोड। हाँ जी, वही सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। एक एक्स्ट्रा टॉपिक था औजाइब, वो आपके सिलेबस से अब निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, तो वो हम पढ़ेंगे नहीं। तो 3 ही चीजें हैं, 3 एक्सरसाइज हैं, 14.1, 2, 3। तो हमारे पास फर्स्ट है मीन, तो इसका बेसिक भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है मोड, फिर हमारे पास है मीडियन, ये 3 टॉपिक हैं। तो अगर मैं आपसे मीन की बात करूं कि भाई मीन क्या था, ठीक है, तो हमारे पास क्या है? सपोज करो मैं आपसे कह दूं ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11। थोड़ा सा ये भी देखते जाइए कि कैसे कैसे कैलकुलेशन बन रही है और कैसे कैसे हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं, हम ये भी आपसे कह रहे हैं। तो सपोज करो हमारे पास ये नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो आपसे कहा गया था मीन निकालो, तो मीन का एक फॉर्मूला था सिंपल सा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही था ना बेटे? अब इसमें छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा एमसीक्यूज के लिए, वो याद रखना। अब आप, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं 3, 5, 7, 9, 11 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, है ना भाई? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया सर, 15 और 20, 35। तो 35 बाई 5, 35 बाई 5 मतलब 7। तो ये हमारे पास मीन आ गया। ऐसे ही आपने निकालना सीखा था। अब एक चीज तो आप यहां सीख लो जरा, सब बच्चे ध्यान से, क्या आपको लग रहा है कुछ कि 3, 5, 7, 9 क्या है? ये कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? ऑड ऑड यस सर, ऑड नंबर्स। अलावा कुछ और याद आ रहा है? एपी सर, एपी एपी फॉर्मूला। ये एपी है बेटे। क्या है ये एपी बेटे? अगर कभी आपको एपी मिल जाए और एपी के टर्म्स का मीन निकालना हो, तो ध्यान रखना मिडिल टर्म अपने आप में मीन होता है, अपने आप, बगैर कुछ सोचे समझे, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर एपी है तो मिडिल टर्म मीन होता है। तो 7 इज मीन। मैं क्या कह रहा हूं, इधर देख लीजिए, हमने आपसे कहा कि 2, 4, 6, 8, 10 इसका मीन निकालो, तो आप बगैर सोचे समझे कह सकते हो कि इसका मीन क्या होगा, सिक्स ऑटोमेटिकली, ठीक है? आप इनको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो इनका सम आपके पास आएगा, ध्यान से देख लीजिए, 30। 30 बाय 5 इज 6। क्लियर है सबको? यस सर। अब यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 5 टर्म्स हैं, तो इसलिए एक ही टर्म बीच में आ रही है, उसी को आप मीन कह रहे हो। लेकिन अगर आप पूछो मुझसे कि सर अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते तब मीन क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस पे एमसीक्यूज में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अभी पूछूंगा आपसे। देखो अब हमारे पास क्या है बेटे, 6 टर्म्स हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो अब मीन क्या होगा? अब मीन होगा जो बीच वाले टर्म्स हैं उन दोनों का मीन, इन दोनों का मीन। तो 6 और 8 का सम करो कितना होगा, 14 बाई 2 करो, सेवन हो गया, तो 7 मीन हो जाएगा। समझ में आ गया? यस यस सर। देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में, 11th साइंस में और डिप्लोमा में कितनी बार ये क्वेश्चन, इवन एमबीए में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से सुन लो जरा। एक्स
एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट, आपसे कह रहा है मीन ऑफ दीज टर्म्स इज 11. दो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है फाइंड एक्स, ठीक है, और सेकंड आपसे कह रहा है कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मीन ऑफ जी बताइए. टाइम टेबल मैंने बना दिया, माशाल्लाह डाल दिए, तो मसल का मैसेज आया बढ़िया वाला, क्या काम है एक सेकंड बच्चे. तो यहां देखो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर हमारे पास, कोई बच्चा बताएगा कितना आया x, कितना yes, आया सर, x है 7 और मीन है फर्स्ट थ्री का 9. वाओ वंडरफुल. सब बच्चे देखो जरा ध्यान से, कुछ नहीं करना था, सोचना ही था बस कि भाई अगर आपसे कह रहे हैं कि मीन ऑफ दिस टर्म इज 11, इनका जो है मीन 11 है, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये टर्म्स एपी में है या नहीं है? अगर एपी में है तो मीन तो ये x प्लस 4 होना चाहिए. यस सर, x प्लस 4 11. तो x प्लस 4 को आप कितना रख दोगे? 11 रख देंगे, x की वैल्यू 7 आ जाएगी ना, तो x कितना आ जाएगा? 7 7 7. बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यस सर, आ गया. तो हमारा x आ गया 7. अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा था कि पहले तीन टर्म्स का मीन बताओ. कितने टर्म्स का? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स. लेकिन क्या ये भी एपी में है? यस सर, ये भी एपी में है. अगर एपी में है तो मीन क्या होगा? एक्स सेंटर वाला, एक्स प्लस टू, दैट इज 9. कितना है? 7. 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9. 9. समझ में आया? यस यस सर. तो हमें कैलकुलेशन करनी नहीं थी. चलो अब जरा ध्यान से देखो, ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है. हमसे क्या होता है बेटे, ये हमारे पास टर्म्स होते हैं, सपोज करो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स एन, ये हमारे पास होते हैं. तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे एन हो गए कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स एन है. अगर आपसे कहा जाए मीन निकालो, प्लीज ध्यान से देख लो, तो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऐसे मीन को हम कहते हैं बच्चे बार एक्स. और इस सम को यहां ध्यान से देख लीजिए, इस सम को मैं ऐसे भी लिख सकता था, वन अपॉन एन एंड सम x1 plus x2 plus plus xn. तो xn को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सम लिखा है तो सम की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा, समेशन, कहां से कहां तक? 1 से लेके n तक. और यहां क्या कह रहे हैं? xi. और इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं? 1 अपॉन n से. तो कभी कभी आपको फार्मूला ये भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, ये बार x is equals to 1 अपॉन n सिग्मा एक्स आई, वेयर आई इज 1 टू n. ठीक है, अब होता क्या है, आप सब बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर हम डेटा ऑब्जर्वेशन एक्स आई में से मीन को माइनस करें, माइनस बार एक्स, डेटा में से मीन को माइनस करें,
और आई लिया है मैंने, आई का मतलब 1, 2, 3, 4, सब में से मीन को माइनस करें और फिर उसका अगर हम सम लें और ये जो एक्स आई माइनस बार एक्स होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेटा एंड मीन, इसे डेविएशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेविएशन, डिफरेंस. ठीक है, इस डेविएशन का सम बच्चे हमेशा जीरो आएगा. कभी भी आप लेंगे एक्चुअल डेटा और मीन का डिफरेंस तो वो जो डेविएशन आएगा उसका सम हमेशा जीरो होगा. तो कभी कभी डायरेक्ट आपसे इसकी वैल्यू पूछ सकता है कि बताओ सिग्मा एक्स आई माइनस बार एक्स कितना होता है. तो बेटे हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू जीरो होती है. अब जरा ऊपर देखो, हम यहां एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास ये डेटा है 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है, और इसका जो मीन आया है वो आया है 6. ठीक है, ठीक बिठा लो सच्चा. ये भाई अपने पास सेव कर लो या उसमें लगा लो, एक एक्सपेंसेस की फाइल लगा लो. अच्छा. और स्टेपल करके उसमें लगा लेगा उसका भी. और दबेश का नहीं, मेरे पास दबेश वाला भी लगाओ. अच्छा. लिखो नहीं लगाओ, ये तो मेरे पास लिखा हुआ है, ये बात नहीं लिख रही थी. अच्छा, दबेश का शायद दबेश को दिया आपने, उससे भी लिख के लगाओ. अच्छा जी बेटे, तो अब आपके पास मीन आ गया 6. जरा यहाँ बताओ मुझे, अगर मैं डेटा में से मीन को माइनस करूं, 2 - 6 कितना होगा? -4. -6 कितना होगा? -2. और 6 - 6 कितना होगा? 0. और 8 - 6 कितना होगा? 2. और 10 - 6 कितना होगा? 4. अब आप खुद सोचो बेटे, अगर मुझे इन सबको प्लस करना हो, डेविएशन का सम लेना हो, तो क्या 4 से 0 कैंसिल हो रहा है? सबको क्लियर है? तो ये बात हो गई मीन की, जब बेसिक मीन आता है, है ना. अब इससे आगे बढ़ते हैं. आपको अगर याद हो कि भाई मान लो हमारे पास एक डेटा एक से ज्यादा बार आ रहा है, सपोज करो मैं आपसे ऐसे कह दूं 3, 3, 3, 5, 5, ठीक है, 7, 9, 9, सपोज करो इस तरह से. ठीक है, 9, 9, और मैं आपसे कहूं इसका मीन निकालो, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए बच्चे, आपको ये भी समझ में आता चला जाएगा कि ये फॉर्मूले कहां से बनते जा रहे हैं. तो अब आपको क्या करना था, आपको इन सब का सम लेना था. 3 + 3 + 3 + 5 + 5 + 7 + 9 + 9 + 9 + 9 अपॉन 5, 6 और 4, 10. यस और नो? Yes, सबको सम करते, डिवाइडेड बाय 10 करते. लेकिन आप जरा देखो 3 कितने टाइम आया है? 3 टाइम्स. तो मैं 3 को 3 टाइम प्लस करूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? 5 को 2 टाइम प्लस करूं या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? एक ही बात. 7 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, बात वही है या नहीं? Yes, sir, एक ही बात है. बस तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 10 +7 + 36 / 10, तो 19, 26, 32 and 52 something, 46 और ये कितना हो गया 55 और 62, sorry, तो 62 / 10 that is 6.2. तो ये हुआ क्या है, अब थोड़ा सा इसको फोकस करो. हुआ क्या, ये जो हमारा डेटा था, आप सब बच्चों ने बहुत बढ़िया वाली 9th में फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी सीखी थी. क्या सीखी थी? फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना बेटे. आप क्या लेते थे? आप लेते थे, अब यहां से हमारा आ जाता, आप लेते थे डेटा एक्स, एक्स आई, तो एक्स का मतलब होता था कि कितने तरह के नंबर्स हैं. तो हमारे पास नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9 और दूसरा होता था कितने टाइम्स आ रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स ऑकरिंग. ठीक है, फ्रीक्वेंसी. तो 3 इज कमिंग 3 टाइम्स, 5 इज कमिंग 2 टाइम्स, 7 इज कमिंग 1 टाइम्स, 9 इज कमिंग 4 टाइम्स. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आपने आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था कि इनको मल्टीप्लाई कर दो. क्या कर दो? F-I-X. आप लोगों ने 9th में सीखा ये. तो 3 जा 9, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 9 4 जा 36. अब FX का सम लेते थे, तो भाई FX का सम ले लो बच्चे,
9 + 10 = 19 + 7 ठीक है 26 + 36 का सम हो गया 62 पहली चीज तो ये हमारे पास हो गया सिग्मा एफ एक्स याद है कुछ यस सर और इसमें आप देखते थे कि कितने नंबर्स हैं हाउ मेनी नंबर्स तो नंबर्स एक्स के सम को बोलते थे या एफ के सम को बोलते थे एफ के सम को है ना सिग्मा एफ यस सिग्मा एफ तो सिग्मा एफ कितना हो गया 3 2 5 1 6 4 10 ठीक है तो बार एक्स का फॉर्मूला था अगर आपको याद हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ठीक है आप चाहो तो वही I is equals to 1 to n, fi xi, I is equals to 1 to n, fi. सबको याद आया कुछ? Yes, sir. तो यहां से ये frequency table वाला formula आया था, 62 by 10 is 6.2. तो ये हमारे पास जो हम direct multiply कर देते हैं बेटे, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए. ये जो हम direct multiply कर देते हैं, इसे कहते हैं direct method. क्या कहते हैं? Direct method. हाँ. मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड लेकिन अभी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आने वाली है कि डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम आई इसे नोट करो यहां से नोट करना शुरू करो आप सब बच्चे ये आपका सिलेबस का पार्ट है हो गया यस सर ठीक है देखो जरा ध्यान से तो ये था डायरेक्ट मेथड लेकिन अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है सारे बच्चे देखिए प्लीज थोड़ा सा अलर्ट रहिए क्योंकि तीन ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी ये क्वेश्चन है बेटे हमारे पास मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे कह रहा है मीन मार्क्स निकालिए फाइंड मीन मार्क्स ये आप निकालिए कुछ मदरबोर्ड में शायद कोई तार शॉर्ट कर रहा होगा और उसे फरीद सर है क्या नूर सर बुला रहे या फरीद सर का नंबर ले लीजिए तो वह इसके लिए कॉल कर रहे हैं पूछ लीजिए प्लीज और सर शेड्यूल का ये पूछ रही थी 11th वाले को का कह रहे हैं रजिस्टर के एक बार डिस्कस करेंगे मैं कह रहे कम करने के लिए कल तो क्लास करा दे निको नहीं तीन दिन तो हो जाए मंडे से कर लेंगे निको सर अब तो दो ही दिन बचे हैं हफ्ते के इस हफ्ते करा दे इस हफ्ते शेड्यूल कर दें खत्म करना हो तो कब कर देंगे आप डलवा दीजिए अभी तो क्लास ले रहे थे हाँ बेटे देखो जरा ध्यान से ये हमारे पास क्वेश्चन है सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो अब मैं आपसे कहूं कि इसका मीन निकालो क्या निकालो मीन अब मीन निकालने के लिए सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो हमारे जो सामने प्रॉब्लम आएगी वो क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमें निकालना पड़ेगा एफ इंटू एक्स क्या निकालना पड़ेगा एफ एक्स थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए सब बच्चे क्योंकि डायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं तो हमें एफ एक्स चाहिएगा अब क्या होगा जैसे ही आप एफ एक्स निकालोगे तो कुछ बच्चे तो कोने में चले जाएंगे है जी क्वार्टर में जाके कैलकुलेशन करते हो ना आप लोग 17.5 × 2 = दिस यस और नो यस सर तब आप खुद सोचिए सोचिए 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर उन्हें प्लस करोगे डिवाइड करोगे बटे बजोगे तो खैर फिलहाल मैं फिर भी डायरेक्ट मेथड से ही कर रहा हूं
और फिर इसके लिए एक नया मेथड लाएंगे तो उसे देखेंगे, वो आपको इजी लगेगा। तो 17.52 × 2 जो होगा 35 हो जाएगा, और 32.5 × 3 32 × 3 = 96 होता है, और 5 × 3 = 15 होता है, 97.5 हो जाएगा। अच्छा 47.5 हमारे पास जो होगा सर, 7 × 5 = 35 ठीक है, 5 और 7 × 7 = 49 और 3 15, ट्रायल वर्जन ठीक है, और 7 × 4 = 28 कितना है 32.5 यस और नो? यस सर। अच्छा 62.5 × 6 कितना हो रहा है भाई? ये तो हो गया 0 6 5 6 2 = 12 और 5 12 और 3 5 6 6 = 36 137 समथिंग, और 77.5 ये भी 30 हो रहा है ठीक है जी, और 6 7 = 42 4 45 42 and 4 46 yes or no? बताते रहे ना मुझे कहीं गड़बड़। yes. अच्छा 6 5 = 30 और ये हो गया 3, 6 2 = 12 और 3 15 54 और 1 पढ़ लो भाई, मैं तो थोड़ी देर पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ लें। सर ये 465 होगा, 462 नहीं होगा। कौन सा वाला सर? ये सेकंड लास्ट 465 ठीक है जी, 465 हो जाएगा। बाकी सब सही है? यस सर। चलो देख लेना, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफएक्स, क्या हो जाएगा सिग्मा एफएक्स? सिग्मा एफएक्स कितना हो गया? 5 5 10 1 6 11 16 18 25 30 3 8 14 21 24 24 और 9 33 36 36 3 8 12 15 और 3 18 1860 हो गया। और सिग्मा एफ ठीक है भाई, 12 18 25 and 5 30 ये बस। तो बार x is equals to sigma fx upon sigma f, that is 1860 by 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 = 18 और 3 2 = 6 सब बच्चे बताओ समझ में आया क्या? यस सर। ये मेथड है डायरेक्ट मेथड, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, कुछ करना नहीं होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाती है जब इस तरह की फिगर्स हो, इस तरह के नंबर्स हो। और इसमें भी सुन लीजिए सब बच्चे, यहाँ हमारे पास 3 digit था और यहाँ था सिंगल डिजिट, इसलिए हमने कैलकुलेशन ऐसे कर ली, लेकिन अगर यही वाले नंबर्स 2 digit या 3 digit हो जाते तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो बहुत प्रॉब्लम होती। यस सर नो? यस सर। यस सर। कैलकुलेशन इजी कैसे करें उसके लिए मेथड आएगा, इसे जल्दी से फटाफट नोट कर लो या जो भी कुछ करना है करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बस एक टॉपिक ये है, अरे ये नेक्स्ट एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप सब बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह, डन? यस सर। यस सर। अब जरा दोबारा से देखिए सब बच्चे, इसी क्वेश्चन को हम कितने इजीली कर सकते हैं, सबके सब बच्चे देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, वो था हमारे पास डायरेक्ट मेथड, अब हमारे पास है एज्यूम मीन मेथड।
assume, mean, method. हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है, और मीन किसका निकालना है, मार्क्स का. तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से इन मार्क्स में से, सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, इन मार्क्स में से एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है. अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो सब कान खोल के सुन लीजिए, सबको इसमें कंफ्यूजन रहता है. आप किसी भी नंबर को मीन एज्यूम कर सकते हो, आपकी चॉइस है. आप पहले वाले नंबर को ले लें, दूसरे वाले को ले लें, तीसरे को ले लें, फोर्थ को ले लें, फिफ्थ को ले लें, सिक्स्थ को ले लें, या इनको भी छोड़ दीजिए, किसी और नंबर को ले लें. तो किसी को भी आप मीन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए अच्छा होता है अगर हम बीच वाले नंबर को किसी को मीन ले लें. अब यहाँ क्योंकि इवन नंबर्स हैं, सिक्स नंबर हैं, तो किसको बीच वाला माने, तो हमारी मर्जी, हम 47.5 को ले लें या 62.5 को. तो होगा क्या, हम इसमें से किसी एक को एज्यूम कर लेंगे. मान लो हमने 47.5 को एज्यूम कर लिया ए, एज्यूम मीन, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब हम यहाँ क्या लेंगे, हम निकालेंगे अब एक्स आई माइनस ए डिफरेंस, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी. जब हम ये करेंगे तो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा. सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, बताइए बच्चे, हमारा एक्स आई है 17.5, और 17.5 में से 47.5 को माइनस करना है. तो 17.5 माइनस 47.5 क्या माइनस 30 आ जाएगा? यस माइनस 30, ध्यान रखना माइनस में आएगा. अब इसी तरीके से आप क्या करो, आप 32.5 में से 47.5 माइनस करिए, ठीक है, माइनस 12 जी, माइनस 12 15 कहां दिमाग में, माइनस 15 कितना आएगा, माइनस 15. अब आप ध्यान देखिए, 47.5 अपने आप में एक्स आई भी है और ए भी है, तो इसी में से इसी को माइनस करिए. तो 47.5 माइनस 47.5 क्या आएगा, जीरो. जीरो. अब 62.5 में से 47.5 माइनस करिए, कितना आएगा, 15. कितना आएगा, 15. 77 में से माइनस करिए, कितना आएगा, 30. और 92 में से माइनस करिए, कितना आएगा, 45. कितना आएगा, सब बच्चों को डिफरेंस समझ में आ गया, यस और नो? यस सर. नंबर में से, दोबारा से सुन लीजिए, नंबर में से ए को माइनस करना है, पहले इसे, फिर इसे, फिर इसी को, इसमें से, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और वो यहां लिखते जाना है. सब बच्चे बताओ समझ में आई क्या बात? यस सर. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन लो, आसानी के लिए बता रहा हूं. कोई मुझे बताएगा इसमें कितने का गैप है, ये सारे नंबर्स जो है ना सेम गैप वाले हैं, हर एक टर्म में कितने का गैप है, 15 का. कितने का गैप है, 15. तो बेटे अगर आप चेक करोगे, ये जो नंबर्स आए ये 15 के मल्टीपल्स आएंगे हमेशा, क्या आएंगे, मल्टीपल. देखो यहां से 47.5 से वो तो आएगा जीरो, वो तो क्या आएगा, जीरो. तो जो ऊपर आएंगे वो माइनस में आएंगे, माइनस 15, माइनस 30, माइनस 45, माइनस 60, जितना ऊपर जाओगे. और नीचे वाले प्लस में आएंगे, 15, 30, 45, 60, 75. समझ में आया कुछ या नहीं आया? यस सर. ऑटोमेटिकली अभी क्वेश्चन आएगा जिसमें 10 का गैप होगा तो 10 का डिफरेंस आएगा, 5 का गैप होगा तो 5 वाले आएंगे, 5, 10, 15 ऑटोमेटिकली. तो ये पता रहेगा कि अब नेक्स्ट क्या आना, नेक्स्ट क्या आना, नेक्स्ट क्या आना, इस तरह से. तो खैर ये हमारे पास आ गया डी. अभी जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे एफ इंटू एक्स, अब आप एफ इंटू एक्स नहीं करोगे, आप एफ इंटू डी करोगे. क्या करोगे, एफ डी. अब एफ डी आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा इजी लगेगा पहले के मुकाबले. बताओ सब बच्चे, 32 जा माइनस 60, 15 3 जा माइनस 45, 70 जा जीरो, 15 6 जा 90, 36 जा
180 45 6 270 270. सबको समझ में आया या नहीं? यस सर. तो यहाँ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे तो इजी लगा होगा सबको ये. यस सर. हाँ भाई. यस सर. आप तो मैंने नाम नाम लेना तो भूल छोड़ ही दिया है, लेकिन कम से कम इतना तो रखा करो कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है. चलो मत बोलो मेरी तरफ से. तो अब हमें क्या करना है, सम करना है. अब आप जरा ध्यान से रफली कर लो, माइनस का सम है 105 और प्लस का सम है 180 और 90 270 और 270 540. तो 540 में से 105 को अगर माइनस करेंगे तो 10 5 5 आएगा, ठीक है सर. और हमारे पास क्या बचेगा, 53 और 10 43 आएगा. यस और नो? 435. यस सर. ठीक है, तो हमारा एफ डी आ गया 435. सिग्मा एफ हमें अब भी चाहिए, तो सिग्मा एफ हमारा कितना आया था अगर याद हो, 30 आया था शायद. कितना आया था? 30. तो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ और ये हमारा हो गया सिग्मा एफ डी. जरा फॉर्मूला देख लीजिए सब बच्चे. बार एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है. और जो हमने प्लस किया है उसे हम माइनस कर देंगे. सॉरी, जो माइनस किया था हमने यहां पे ए को माइनस किया था, रिवर्स करना है. तो वो ए हमें यहां प्लस करना है, तो प्लस ए, दैट्स इट. तो ये हमारा होता है एज्यूमिंग मेथड. देखो जरा ध्यान से, 650 सिग्मा एफ डी कितना है भाई? 435. सिग्मा एफ कितना है? 30. और ए हमने कितना लिया था? 47.5. आप सब बच्चे प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ सब बच्चे से कि यहाँ पे एलसीएम मत लेना. आप सब बच्चे कभी आप 30 का एलसीएम ले लो फिर इससे मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो, नहीं. उससे आसान तरीका क्या होता है कि यहीं पे 30 को डिवाइड करो. डिवाइड करो भाई, 3 से कितना आएगा? 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, है ना भाई, और 3 5 जा 15, और 0 की वजह से क्या आ जाएगा, 14.5. यस और नो? यस सर. तो जरा मुझे बताना 14.5 प्लस 47.5 कितना होगा? 5 5 तो 10 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 4 1 5 6 हो जाएगा. कितना आया भाई? 62. जरा मुझे बताना ऊपर आंसर क्या आया था? 62. सब बच्चों को समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं? यस सर. ये नोट करो, इसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे, पहले इसी को करेंगे एज्यूम मीन मेथड. शाबाश, जल्दी से नोट करो. हो गया? यस सर. यस सर. देखो एक क्वेश्चन और देखो और आप सब बच्चे करो इसको. ये देखिए बेटे, फाइंड मीन. सिंपल कैलकुलेशन है वैसे तो, ये करने को तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे एज्यूम मीन मेथड से करिए. जल्दी से करिए फटाफट सब बच्चे. हो
कोशिश करिए जल्दी से. x दिया हुआ है, f दिया हुआ है. assume mean के लिए हमें पहले एक नंबर को एज्यूम करना होता है, किसी एक नंबर को आप एज्यूम करिए, फिर डेविएशन निकालिए, डिफरेंस x माइनस a. बीच वाले टर्म को अगर आप सपोज करेंगे तो आपको इजी लगेगा. तो इसको हमने a मान लिया, तो यहां हम d निकाल रहे हैं x माइनस a. तो आपके पास क्या आएगा, 20 माइनस 50. देखो जरा ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से देख लो, कितने का गैप है इन सब में, 10 का. तो अगर मैं आपको वैसे ही लिखवाऊं, 50 के सामने बेटे हमेशा जीरो आना है. क्या आना है, जीरो. फिर माइनस 10, फिर माइनस 20, फिर माइनस 30. यस और नो? यस सर. प्लस 10, प्लस 20, प्लस 30, ये आएगा. सब बच्चों का यही आया ना? यस सर. अपने आप ऑटोमेटिकली. अच्छा, अब मुझे मल्टीप्लाई करना था f और d का. f into d, तो 6 3 18, 11 2 22, 7 10 70, 0 वाला तो 0, 10 4 40, 22 40, 31 30. तो ये मेरे पास आएगा सिग्मा एफ डी. अब चेक आप कर सकते हो, मैं देखो आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूं. हमारे पास क्या आएगा, 30 40 70 40 110. 110 को कहीं भी ले लो माइनस 180 में, तो यहां से बचेगा माइनस का 70, बचेगा ना? यस सर. बचेगा. तो अब आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया माइनस 70 और माइनस 220, कितना हो गया 90, और 70 360 किसमें, माइनस. खैर ये आपके इश्यूज हैं, आप चाहो कि नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, पहले माइनस वालों को कर लूं. 180, 220 कितना हो गया भाई, 3 और 4, 470 माइनस में है और सब प्लस में कितना है, 110 मेरे पास प्लस में है, तो मैं इसको करके देखूंगा 70 10 60 माइनस. यस और नो? यस सर. चॉइस आपकी है, आपको जो आसान लगे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से किया. तो ये मेरे पास आ गया बेटे सिग्मा एफ डी. मुझे चाहिए सिग्मा एफ बचे, तो 6 17 24, 28, 32 और 34 और 1 35. सही है सर? ये बस हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या है भाई, बार x इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, माइनस जो किया था उसे वापस क्या करना है, प्लस करना है. माइनस 360 अपॉन 35 प्लस a. a कितना है बच्चे, 50. तो यही मैंने आपसे कहा था कि अब आप एलसीएम मत लीजिएगा, आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या करिए, इस 360 बाई 35 को सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो 35 10 जा 350 होता है, 35 10 जा क्या होता है, 350. बचेगा 10, 0 लगा दो तो 35 2 जा समथिंग या 3 जा समथिंग आएगा, वो भी किस में, माइनस में. यस और नो? अप्रोक्सीमेट. तो 50 माइनस 10.2 कितना हुआ भाई, 39.8. यस और नो? यस सर. तो ये आंसर. तो ये कौन सा मेथड है, assume method. Assume mean method. सर सबको समझ में आया? Yes, बिल्कुल आया सर. किसी को नोट करना है तो कर लीजिए, एक लास्ट मेथड रह गया है, फिर ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह खत्म. कर लिया सर. गुड सर. स्टेप डेविएशन तो कट गया? स्टेप डेविएशन अब आएगा सर. सर स्टेप डेविएशन है?
क्या है, स्टार डिवीजन है नहीं है सर? हमारे स्कूल के टेस्ट में तो नहीं पढ़ा सर। नहीं है सर। एक मिनट मैं देख लूंगा क्या है। डिलीटेड पोर्शन सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ मैथमेटिक्स रियल नंबर्स स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। नहीं, स्टेप डेविएशन नहीं है, खत्म हो गया। और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जायज भी नहीं है। तो चलो बस हो गई एक्सरसाइज खत्म। ठीक है जी, सब बच्चों को जरा देखो, अब जरा ध्यान से होगा क्या अब हमारे पास। कौन है? वाह वाह, बहुत अच्छा बच्चा है लिखा। सब बच्चे जरा ध्यान से देखो है क्या एक्चुअली। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ना बेटे, वो क्वेश्चन आएंगे ऐसे। कहाँ है? चलो इसको लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे क्लास इंटर, ऐसे भी आ सकते हैं विदाउट क्लास इंटरवल, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी भी लेवल के हो सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिए होंगे 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, पैसों पे तो लड़ाई हो रही है आज, 150 से 250, दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको दोनों का आइडिया हो जाएगा। हमारे पास क्या है बेटे, ये यहाँ से क्वेश्चन है कि भाई नंबर ऑफ विकेट्स। सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से जाग जाइए तो अच्छा रहेगा। 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450, ये मेरे पास। ये तो हो गया नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है बेटे। और हमारे पास क्या है, हमारे पास बॉलर्स दिए हुए, ठीक है, नंबर ऑफ बॉलर्स। तो ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ बॉलर्स 7, 5, 16, 12, 2, 3। अब यहां देखो आपसे कह रहा हूं, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैचेस। 7 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 60 के बीच में विकेट्स लिए, 5 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 60 से 100 के बीच में, ये हमसे कह रहा है। अब यहां ध्यान से सुन लेना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स, मीन नंबर ऑफ विकेट्स। तो मुझे जो मीन निकालना है वो विकेट्स का निकालना है, विकेट्स का, ना कि बॉलर्स का। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जो मेरा डेटा है एक्स, वो विकेट्स है, बॉलर्स नहीं है। तो इसका मतलब बेटे एक्स हमारा ये है, ये हमारा एक्स डेटा, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक। लेकिन आपको जो क्लास दी हुई है वो अब लिमिट्स में दी हुई है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मिड पॉइंट, क्लास मार्क या मिड पॉइंट, ध्यान से सुन लीजिए। और हम उसी को एक्स कहेंगे, एक्स जो अब तक हम एक्स यूज कर रहे थे। तो आप सब बच्चे ध्यान से करिए, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कुछ याद है 9th में? यस सर। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय, वेरी गुड, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, अब जरा पहले वाले को चेक करिए। सारे बच्चे पहला वाला क्या है, 20 और 60, तो 20 और 60 को प्लस करोगे तो कितना आएगा?
80 बाई 2 कितना आएगा? 40. एक तरीका तो ये है. अब दूसरा तरीका सब बच्चे सुन लीजिए जरा, सारे बच्चे थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों के लिए. मुझे ये बताओ इनके बीच में गैप कितने का है? 40 का हाफ कितना होता है? 20. 40 का हाफ हो गया 20. तो साब में लोअर लिमिट में 20 ऐड कर दो. लोअर लिमिट में क्या ऐड कर दो? 20. बताओ 20 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40. 60 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 80. 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 120. पहली चीज. दूसरी चीज यहाँ देखो जरा ध्यान से. अगर सब में गैप सेम है, यहाँ भी गैप सेम है, यहाँ भी गैप सेम है, यहाँ पे भी सब जगह गैप सेम है, और गैप है 40 का. गैप कितने का है? 40 का. तो सर आप यहाँ 40 प्लस करते चले जाओ. क्या करते चले जाओ? 40 प्लस. 40 प्लस का मतलब क्या है? पहला 40, फिर 80, फिर 120. अब कितना आएगा? 160. अब कितना आएगा? 200. अब कितना आएगा? 240. बगैर सोचे समझे कर सकते हो? कर सकते हो नहीं कर सकते? यस सर, 40 का टेबल हो. ठीक है जी. अब हुआ क्या, ये हमारा है x और ये है हमारा f. तो हमें क्या निकालना है? fx. अगर हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो 7 4 28, 8 5 40, 12 6 70. 150 से 250 में 100 का गैप है. है जी. सेम नहीं है. पहले में 40 40 है, फिर 50 50, फिर 100 का गैप. अच्छा, 100 का गैप है. चलो 100 का गैप है. यहाँ पे कौन से वाले में हो रहा है ये? 150 250 150 250 है ना? Yes, sir. 100 और 150 में 50 का हो गया. इसमें भी तो सब में गलत हो गया ना फिर तो ये. यस सर. ऊपर 40 का है, नीचे 50 का है, फिर 100 का है ना? यस सर, अलग अलग है. चलो तो फिर अलग अलग वाले को बाद में करेंगे. खैर चलो, अब तो हम इसी को कर देते हैं. आपको तो सिर्फ मैं सिर्फ बताया था कि हमें इससे करना क्या है, अलग ही कर देते हैं. 40 80 हो गया, 60 160 ये भी हो गया, 250 का कितना होगा फिलहाल? तो चलो मैं लिख ही देता हूँ बस. 250 का हो गया 125 कितना भाई, और ये हो गया कितना? 200. चलो ये तो 200, और ये कितना हो गया जी? 600 है ना, और ये कितना हो गया? 800. That's it. तो हमें क्या करना है, प्लीज आप सब बच्चे बस ध्यान से सुन लीजिए, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है. अब आपके पास जो क्लास इंटरवल आया है, ये जो क्लास इंटरवल आया इससे अब आपको सिर्फ क्या निकालना है? क्लास मार्क. हाँ भाई, क्या निकालना है? क्लास मार्क. अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है. अब वो जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन सिखाए हैं कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है और आपके पास अगर एक्स है तो आप क्या निकाल दो? एफ एक्स. तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड. और अगर आपको कौन सा वाला मेथड है दूसरा? एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड में हम किसी एक को क्या कर लेंगे? A मान लेंगे. और फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? Assume. X minus A. और फिर हम FD निकालेंगे. क्या निकालेंगे? FD. तो यहाँ जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं सिर्फ उसमें एक ही चीज आई है. क्या आई है? कि सर क्लास इंटरवल आ गए. क्या आ गए? क्लास इंटरवल. ठीक है जी. कोशिश कर लेंगे ना सब बच्चे? Yes, sir. तो दो क्वेश्चन है आपके पास, का मतलब अब स्टेप डेविएशन नहीं है. तो जैसा हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, कुछ करना ही नहीं है. आपकी मर्जी है, आप जिस भी मेथड से करना चाहें, ये भी ध्यान रखिएगा. क्योंकि अगर वहां मेंशन नहीं होगा आपके इसमें क्वेश्चन में, तो चॉइस आपकी रहेगी कि हम कौन से मेथड से सॉल्व करें. और अगर उसने लिखा है कि भाई डायरेक्ट मेथड से करिए या assuming method से करिए, फिर आपके पास कंडीशन है कि नहीं वही फुलफिल करना है. देखिए पहला क्वेश्चन कितना इजी है. ओह,
ये क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 4.1 आपसे कह रहा है फाइंड द मीन। बहुत ही सिंपल आप टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स हमसे कह रहा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। आप चाहें तो यहीं पे पहले x निकाल लें और बाद में फ्रीक्वेंसी लिख लें, आप चाहें तो पहले f लिख लें फिर x निकाल लें। तो x कैसे निकालोगे, आप इन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो यहां आप चेक कर सकते हो सब में 2 का ही गैप है, 2, 4, 6, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14। तो यहाँ 2 का गैप है, 2 का हाफ हो जाएगा 1, तो लोअर लिमिट में प्लस 1 करते चले जाइए। तो 0 + 1 = 1, 2 + 1 = 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये तो हमारा x आ गया, और हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, नंबर ऑफ हाउसेस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो ये हमारी टेबल आ गई। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड द मीन। तो कोई मेथड उसने स्पेसिफाई नहीं किया, और ये वैसे भी इजी वाले हैं, तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड। तो हमें डायरेक्ट मेथड में क्या निकालना होता है, f into x। तो 1 1 = 1, 3 2 = 6, 5 1 = 5, 5 7 = 35, 54, 22, 39। प्लस कर लीजिए 7, 12, ठीक है, और ये हो गया 47, और ये हो गया 51, और 101, 123, 32, 162। कितना हो गया भाई, 162। और सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ है 5, 11, 16, 17, 19, 20। तो बार एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 162/20। कितना भाई, 8.1। ठीक है जी, 80.8.1, यस 8.1। सबको समझ में आ गया? Yes. तो कोशिश कर लीजिए सारी एक्सरसाइज करने की, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, फिर मोड और मीडियम करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 क्लास में ये ओवर हो जाना चाहिए, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।